आपके मोहल्ले में किराना स्टोर, जनरल स्टोर या फिर मिनी ग्रोसरी स्टोर ना हो तो क्या होगा? सोचिए, अगर आपको अपनी जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज़ जैसे कि चाय पत्ती, टूथपेस्ट के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़े। छोटे ग्रोसरी स्टोर या फिर किराना स्टोर जितना कस्टमर के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही बिजनेसमैन के लिए भी। हम जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस प्लान। यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं लेकिन आप एक नया बिजनेस प्लान इन्वेंट नहीं करना चाहते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस प्लान बताऊंगा जिसको अगर आप शुरू कर लेते हैं तो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी और फ्रेंचाइजी है ग्रोसरी मार्ट की। ग्रोसरी मार्ट फ्रेंचाइजी एक बेस्ट विकल्प साबित हो सकता है आपके लिए। फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करने से आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। ग्रोसरी बिजनेस पहले से ही एक अजमाया और परखा हुआ बिजनेस मॉडल है। ग्रोसरी मार्ट के ऑल ओवर इंडिया में अब तक 10 से ज्यादा स्टेट में 35 से ज्यादा आउटलेट ओपन हो चुके हैं। ग्रोसरी मार्ट इंडिया की पहली ऐसी उभरती हुई कंपनी है जो स्टोर ओपन होने के बाद 6 महीने तक नो रॉयल्टी फीस मॉडल पर काम करती है। यानी कि फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आपको 6 महीने तक रॉयल्टी नहीं देनी है कंपनी को, और जब रॉयल्टी नहीं देनी होती है तब उस कंडीशन में जो भी इंसान फ्रेंचाइजी लेता है वह ज़्यादा पैसा कमा पाता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फ्रेंचाइजी के बाद रॉयल्टी भी लेते हैं, तो हर महीने फ्रेंचाइजी लेने वालों को एक फिक्स चार्ज कंपनी को देना रहता है या फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी होता है। लेकिन इस कंपनी की खूबी यही है कि यह आपसे 6 महीने तक कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करेगी। साथ ही साथ ग्रोसरी मार्ट इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि सबसे कम फ्रेंचाइजी फीस लेती है अपने फ्रेंचाइजर से। इतनी कम प्राइस के अंदर आपको इंडिया में किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी नहीं मिलने वाली है। ग्रोसरी मार्ट के साथ जुड़कर आपको टोटल कैटेगरी की प्रोडक्ट रेंज मिलने वाली है, जैसे कि ग्रोसरी, पर्सनल केयर, हाउस होल्ड, बेबी एंड पेट केयर, टॉय एंड स्टेशनरी, होम एंड किचन, रेडी टू ईट आइटम एंड फ्रोजन फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बेवरेज, डेयरी प्रोडक्ट, स्टेबल एंड ईटेबल्स, गिफ्ट्स, फूड एंड स्नैक्स। दोस्तों, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज आपको किसी दूसरी कंपनी में इजीली नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ग्रोसरी मार्ट की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा। कंपनी आपको एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल सपोर्ट देती है। दूसरा, परचेजिंग सपोर्ट मिलता है आपको कंपनी की तरफ से। तीसरा, स्टाफ हायरिंग और ट्रेनिंग का सपोर्ट भी दिया जाता है कंपनी की तरफ से। चौथा, अकाउंट होल्डिंग सपोर्ट रहता है, पूरा बिलिंग सॉफ्टवेयर से लेकर सारी चीजें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। पांचवा, ऑपरेशन सपोर्ट भी कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। और इसके अलावा इवेंट एंड ऑनलाइन प्रोग्राम टू इंक्रीज सेल, यानी कि कंपनी की तरफ से कुछ इवेंट ऑनलाइन प्रोग्राम किए जाते हैं जिससे कि आपकी आउटलेट की सेल ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज की जा सके। इसके साथ ही साथ कंपनी आपको वेबसाइट और सोशल मीडिया ऐड का सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अगर आप ग्रोसरी मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो थोड़ा मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। जब भी आप ग्रोसरी मार्ट की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास 300 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। यह जगह आपकी या फिर रेंट की हो सकती है। जो आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी है वह है 1,85,000 रुपए। इसके साथ साथ आपको 55,000 पर लॉगिन के हिसाब से सॉफ्टवेयर फीस देनी होगी। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट की बात की जाए तो 1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास प्रोडक्ट फिलिंग की कॉस्ट आती है। इसके साथ साथ आपको अपने स्टोर का इंटीरियर भी कराना होता है और उसकी कॉस्ट आती है 1,000 से लेकर 1,200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। यह इंटीरियर आप चाहें तो कंपनी करा के देगी या फिर आप अपने एंड से भी इंटीरियर करा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको ग्रोसरी मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और एक फॉर्म भी है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आपने जो जगह डिसाइड की है या फिर जो जगह चुनी है कंपनी एग्जीक्यूटिव विजिट करेंगे और उस जगह का मुआयना करने के बाद आपको गाइड करेंगे कि यहां पर आपका जो आउटलेट है वो सक्सेसफुली रन हो पाएगा कि नहीं। अगर यहां पर हो पाएगा तो किस टाइप के और किस कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको रखने चाहिए, इंटीरियर आपको किस तरह का कराना चाहिए, यह सारी चीजें कंपनी एग्जीक्यूटिव आपको गाइड करते हैं। दोस्तों, इस प्राइस कैप के अंदर पूरे इंडिया में कोई और दूसरी कंपनी फ्रेंचाइजी नहीं दे रही है। सबसे कम प्राइस ग्रोसरी मार्ट का ही है। अभी तक कंपनी 35 से ज्यादा आउटलेट ओपन कर चुकी है। अगर आपका भी प्लान है ग्रोसरी मार्ट ओपन करने का तो आप अपने शहर की फ्रेंचाइजी बुक करा सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप सोचने में रह जाएं और आपके शहर की फ्रेंचाइजी कोई और ले ले।
और वैसे भी आने वाले टाइम में कंपनी फ्रेंचाइजी फीस में भी इजाफा हो सकता है, कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस बढ़ सकती है। तो अभी जब तक फ्रेंचाइजी फीस कम है, आप चाहें तो अपने शहर की फ्रेंचाइजी लेकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ग्रोसरी मार्ट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।